ओके दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टोटली डिफरेंट आदि। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे प्लीज़ करता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट वन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट वन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ कोई पॉइंट दे दिया आपको तो उसका आप रिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस के उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं चलता हूँ बिना देरी की। आपको पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट सेकेंड है आज मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा। आपको जैसे कि आपको कभी भी दो आपको समीकरण दिए हों, जैसे एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण आपको ये दिया है, और इसकी मान लीजिए हम मान लेते हैं इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता m2 है। क्या हम दोस्तों मानते हैं कि मान लीजिए कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, तो इसकी प्रवणता m2 मान ली हमने। तो जैसे कभी करते हैं कि अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल कब होंगे, मतलब ये दोनों जब पैरेलल तब होंगे जब इनकी जो ये प्रवणता होती है m1 प्रवणता और जो m2 प्रवणता, जब दोनों की m1 प्रवणता m2 प्रवणता अगर दोनों की इक्वल होगी तभी ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर आप हम यही देख लेते हैं ये परपेंडिकुलर कब होंगे, ये दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, ये परपेंडिकुलर तब होंगे जब क्या होगा, इसकी पहले वाले की m1 ये और m2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, तब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोस्तों, ये तो पता ही होगा, लेकिन अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन के आता है कि ये दो समीकरण दिए हैं इसका कोई अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, कभी पैरेलल यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इन्फिनिटी यानी अनंत बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो दोस्तों, इसकी कंडीशन कैसे आपको वैल्यू निकाली जाती है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको जैसे आपको ये देखो दो समीकरण, जैसे कभी आपको दो समीकरण दिए हों, एक दो समीकरण आपको दिए हैं, और आप क्या करेंगे इस दोनों समीकरण में जो a1 की वैल्यू है और इसकी जो a2 की वैल्यू है इसको क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे और b1 और ये b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर ये आपका इक्वल टू नहीं आ रहा है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू जो है अगर आपको इक्वल नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये जो समीकरण है दोनों इनका मतलब हल जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि अगर हम a1 अपान a2 = b1 अपान b2 तो इक्वल हो गया, लेकिन अगर c1 अपान c2 इक्वल नहीं है, क्या है a1 अपान a2 तो इक्वल है मतलब b1 अपान b2 के, लेकिन क्या है c1 अपान c2 इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल होते हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्या होगा, इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्या कहते हैं इसका, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं हो। अगर ये c1 अपान c2 अगर इक्वल नहीं है तो ये कोई भी नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई हल नहीं है। इसी प्रकार अगर दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए अब क्या होगा, अब मान लीजिए a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2, अगर मान लीजिए ये जो तीनों हैं ये तीनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, ये अगर तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इसका इनके जो सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, इसके जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, ये है। तो चलिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया मैं उसके आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन पे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया है 4x + 3y + 5 = 0 एंड सेकंड समीकरण यह है 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है, क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब नो सॉल्यूशन लग जाता है तो यानी c1 अपान c2 इक्वल नहीं होता है b1 अपान b2 के, लेकिन क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल होता है, ये कंडीशन पूरी बनती है। तो बस मुझे सिंपली यही कंडीशन लगा देना है और कह रहा है कि एक मान बताइए। तो जब इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर दिए रखा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर देना है। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला a1 अपान a2 = b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 दिए हैं, क्योंकि हमें पता है अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उसका फार्मूला ये होता है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस समीकरण की वैल्यू a1 ये हो गई, ये b1 हो गई, और ये जो है आपकी a1 हो गई और ये जो आपकी b1 हो गई,
और इसी प्रकार ये जो है ये आपकी ए टू हो गई और ये जो वैल्यू के की वैल्यू बी टू हो गई यानी बी टू बराबर के है। बस कुछ नहीं करना, ए वन अपान ए टू यानी फोर अपान सिक्स हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, फोर अपान सिक्स मैंने रख दिया और इसके बाद क्या हो जाएगा, बी वन यानी थ्री और बी टू अपान माइनस के यानी माइनस के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर अपान सिक्स आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री अपान माइनस के, क्योंकि बी टू की वैल्यू माइनस की आ जाएगी। बस इतना ही होगा। तो बस सिंपली आप इसको वैल्यू काट देंगे, यानी आप इसको वैल्यू काट देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी के की वैल्यू, देखिए क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी नाइन माइनस का नाइन बाई टू आ जाएगी, और बस नाइन बाई टू आ जाएगी तो यानी माइनस का फोर पॉइंट फाइव आ जाएगी। इस यही आंसर हो जाएगा आपका, सिंपली यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना इसी प्रकार। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन और दिए हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू वन कामा पी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव के जोड़े को परिमित हल नहीं है, मतलब के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगा, तब कि इसकी कंडीशन क्या होगी, जब कह रहा है कि ये जैसे दो जोड़े हैं इनका कोई परिमित हल नहीं होगा, तो जब इसका कोई परिमित हल नहीं होगा तो दोस्तों देखो तब क्या होगा, जब अगर परिमित हल ना होने का मतलब क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन का मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। और जब ये दोनों पैरेलल कब होते हैं, ये देखिए दोस्तों, पैरेलल की कंडीशन मैंने अभी आपको ये बता रखी है कि पैरेलल कब होंगे, जब सी वन अपान सी टू डज नॉट इक्वल टू होंगे, यानी सेम जैसे कि ऊपर वाली कंडीशन यही कंडीशन नीचे वाले में भी फॉलो हो रही है इस पे भी। तो ठीक है दोस्तों, जैसे फॉलो हो रही बस आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही रख देना है। अब देखिए यहाँ से फिर ए वन की वैल्यू ये मान ली मैंने और इसमें बी वन की वैल्यू वन हो गई और यहाँ a2 की वैल्यू p हो गई, यहाँ a b1 b2 की वैल्यू ये हो गई। बस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 किया मैंने, a1 की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ a1 की वैल्यू मैंने 3 मान ली, 3 और a2 की वैल्यू यहाँ p रख दी, और इसी प्रकार b1 की वैल्यू 1 हो गई और b2 की वैल्यू यहाँ 2 रख दी। बस सिंपली मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बस पी की वैल्यू जो है 6 आ गई। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा हो कि आपको कुछ थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ आप और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर का चाहिए, तो मैं आपको वही चैप्टर करवा सकता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे कोई चैप्टर बता देंगे तो मैं आप उसी चैप्टर की ट्रिक बना दूंगा। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कभी कभी कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या आता है कभी कभी, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन, एक नाम का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशन करके। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट इक्वेशन में देखिए क्या होता है, मतलब एक जैसे आपको समीकरण दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिए हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसके रूट मान लिए, इसके रूट क्या है, मान लीजिए इसके रूट अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसके रूट मैंने मान लिए अल्फा कामा बीटा इसके रूट हैं। तो जैसे अल्फा कामा बीटा इसके रूट दिए हों, तो देखिए दोस्तों क्या किया जाएगा, अल्फा कामा बीटा इसके रूट दिए हों तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माने दो मूलों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए, और अगर मूलों का गुणनफल ले लें हम, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो सी अपान ए हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आपसे कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, देखिए दोस्तों कभी कभी अगर आपसे कभी दे दें कि मान लीजिए आपको ये अल्फा दिए हो, अल्फा बराबर आपसे दे दिया जाए और आपसे क्या कहते हैं कि आप एक इक्वेशन, मतलब इसका इक्वेशन बनाइए, कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होगी इसकी, तो अगर अल्फा आपको दी है तो आप बीटा अपने आप जान लेंगे कि इसका बीटा यही होगा। दोस्तों ऐसे ही देते हैं क्वेश्चन हमेशा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, कोई नहीं कर पाता, लेकिन ये होता है कि अगर आपका थ्री अल्फा बराबर, अगर आपको थ्री प्लस रूट फाइव दिए हैं तो आपका बीटा बराबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थ्री माइनस अंडर रूट फाइव हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, यही फार्मूला लगा देना है, ये फार्मूला से आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी अल्फा की वैल्यू मैंने थ्री प्लस रूट फाइव रख दी और बीटा की वैल्यू थ्री माइनस रूट फाइव रख दी और इंटू एक्स कर दिया, और यानी यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा की इसको इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये फार्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर हो गया तीन तीका नौ और रूट फाइव का हो गया फाइव। तो बस रूट फाइव से रूट फाइव मेरा कट गया और क्या हुआ थ्री थ्री सिक्स हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यही आपकी इक्वेशन हो गई सिंपली। और दोस्तों अगर इसी तरह आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है, आप इसी प्रकार जैसे रूट के बारे में आप पूछ लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया उसमें, इसी तरह कभी कभी आपको रूट के बारे में पूछ लेता है कि नेचर ऑफ रूट बताइए क्या होते हैं। अगर दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको ये दे दिया, ये समीकरण दिए तो आपसे कहेगा आपको रूट निकालना है, तो सिंपली आपको रूट निकालने के लिए क्या करना है, या तो आप जैसे कि द्विघात समीकरण सॉल्व किए जाते हैं उस तरह सॉल्व कर लीजिए, या तो देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं थ्री क्रॉस वन लिख सकते हैं, और क्या होगा थ्री क्रॉस वन जो है अल्फा इंटू बीटा हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू थ्री हो गई यहाँ से, बीटा की वैल्यू वन हो गई, यही ये इसका इक्वेशन हो जाएगा।
तो कभी कभी क्या करते हैं दोस्तों, न्यूज मतलब नेचर ऑफ रूट पूछ लेते हैं, मतलब रूट का नेचर कैसा होगा। तो ये पूछ लेते हैं दोस्तों, देखिए ये कैसे लगाया जाता है आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे आपको ये समीकरण दिए हैं, तो आपको ये जो होता है इसको विविक्तर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं विविक्तर। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है डी इक्वल टू बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और डी की वैल्यू जो है कभी जीरो से बड़ी, जब देखेंगे ये जो डी की वैल्यू है, डी इसकी वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी तो जो आपके मूल होंगे जो अनइक्वल एंड रियल होंगे, इसका मतलब बराबर और समान होंगे, बराबर और समान होते हैं आपके मूल, क्या होते हैं बराबर और समान होते हैं। और इसी प्रकार अगर आपकी जो डी की वैल्यू जीरो हो, मतलब जीरो के बराबर हो, तो आपके जो मूल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इस बार, और रियल भी हो जाएंगे, और ये जो है आपका असमान होगा, ना कि समान, मैंने काट दिया। तो क्या होगा अगर आपका डी इक्वल टू जीरो दिया, तो वैल्यू आपकी समान होगी और रियल भी होगी। और अगर देखिए अगर डी जो है डी की वैल्यू जीरो से अगर बड़ी होती है तो क्या होगा, ये समान तो मतलब ये रियल तो होगा लेकिन क्या होगा अनइक्वल, यानी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ये समान तो होगा ही, सॉरी दोस्तों ये समान ही होगा, मतलब रियल होगा। वही इंग्लिश हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, ये होगा हिंदी मतलब रियल होगा अनइक्वल होगा, बस इतना याद है कि आप डी इक्वल टू अगर जीरो दिया हो तो आपका रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। और अगर आपकी वैल्यू डी की जो है जीरो से छोटी हो जाए, अगर डी से वैल्यू छोटी दी है तो क्या होगा, ये काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ जैसे है वो जीरो से छोटी है, तो अगर कोई चीज़ जीरो से छोटी है तो इसका मतलब वो काल्पनिक ही, तभी तो जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि जीरो से तभी बड़ा ही हो सकता है। दोस्तों जगह अगर मैं आपको देखिए, अगर मैं आपको इसी से एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ बताता हूँ, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो का कोई हल नहीं है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल कब नहीं होगा, इसका कोई हल तब नहीं होगा जब इसके क्या होंगे मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, तभी तो इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं ऐसे कोई ना कोई तो हल ही होगा। लेकिन अगर कोई हल तब नहीं होता जब यानी इसके मूल जो है मतलब काल्पनिक होंगे, इसकी काल्पनिक है, तो बस हमें पता है इसके मूल काल्पनिक कब होंगे, जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो बस हमको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लगा देना है, यहाँ बी की वैल्यू हमने यहाँ बी की वैल्यू के दिए है और ये सी की वैल्यू भी के दिए है, तो बस सिंपली बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर फोर ए की वैल्यू यहाँ वन दिया, यानी ए बराबर हमें वन दिए हुए हैं, तो ए की वैल्यू हमने फोर वन रख दी और के रख दिया, ये जीरो के बराबर बराबर दिखा दिया, हमने के कामन ले लिया, तो ये देखिए ये समीकरण बन गया। अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, यानी के की वैल्यू ये देखिए जीरो से बड़ी होगा, यहाँ के की वैल्यू चार से छोटी है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें इसको एक उस पर दर्शाना है, तो देखिए इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसमें सिंपल बता रहा है जो के की वैल्यू है वो चार से कम है, तो चार से कम हमने रख दिया, और यहाँ पे के की वैल्यू बता रहा है जीरो से कम है। दोस्तों देखो यहाँ जस्ट हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ पे जीरो से बड़ी और चार से छोटी कोई वैल्यू रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट होता है। अगर ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए सही है, अगर संतुष्ट नहीं हो रहा तो समझ लीजिए सही नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू जीरो और फोर के बीच में मान लीजिए टू है, टू पुट करके रखते हैं, तो अगर यहाँ पे के की वैल्यू टू हो गई और के माइनस फोर यानी टू माइनस फोर माइनस का हो गया, तो क्या होगा ये कितना आएगा माइनस का फोर आएगा, जो कि जीरो से छोटा है, इसका मतलब ये अब सही है, इसका मतलब ये इक्वेशन मेरी सही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अगर इसी तरह पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। अगर आपको पता है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई चैप्टर का वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।